So hey guys, good afternoon, my all dear students. This is Sandeep Singhor in front of you, and I am associate professor in pharmacy college. Before that, I was working in the pharmaceutical industries in the quality assurance department. Now, this is my first online lecture for all the recommendation from you guys. हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी difficulties हैं pharmacy से related subjects में, जिसको लेके मैं भी स्टार्टअप में बहुत दिन से लगा हुआ था. आज मैंने ये पहला लेक्चर अपना रिकॉर्ड किया है, जो कि ओबियसली बी फॉर्म फाइनल ईयर 8th सेमेस्टर का इलेक्टिव सब्जेक्ट है, एक रेगुलेटरी साइंस, जिसके बारे में आज उसका इंट्रोडक्शन जो है हम समझने की कोशिश करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. बोर्ड में आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेगुलेटरी इन अ फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट. ओबियसली इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली, और आज हम सिर्फ इतना ही देखेंगे. एंड इफ़ यू गाइज लाइक इट और नॉट, दैट ये चीज़ डिपेंड करेगी कि हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे. वेदर इट इज़ क्वाइट श्योर नाउ व्हाट एम आई फीलिंग व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑल. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच ऑनलाइन रेदर देन ऑफलाइन. मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, जस्ट पिक अप द मार्कर, प्रिपेयर योर क्लास एंड गो फिनिश दिस ऑल थिंग्स. बट हियर सब कुछ पहले सेटअप करो, क्लास प्रिपेयर करो एंड देन ऑल. ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज रेगुलेटरी इन द फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट. सी, रेगुलेटरी एक वाइड रेंजेस ऑफ सेट है गाइडलाइंस का, एक स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स का, जो कि आजकल मेडिकल हेल्थ में, हेल्थ केयर सिस्टम में एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, एज वेल एज वेरियस काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, सभी को गवर्न करता, कंट्रोल करता, रेगुलेट करता है. किस बारे में? कि आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप जो भी सिस्टम रन कर रहे हैं अपने अंदर में, वो सभी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं. अगर इंडस्ट्रीज़ के केस की हम बात करें, तो रेगुलेटरी इंश्योर दैट, रेगुलेटरी इंश्योर ऑल दोज पैरामीटर्स विच decide the quality of product, which decide the quality of any product. Means what? किसी product के regarding अगर हम बात कर लें, तो सबसे basic से उसके कुछ parameters हैं, safety, efficacy, purity, and of course last में उस product की performance overall कैसी क्या है. तो कुछ बेसिक से चार या पांच पॉइंट में आज हम इनके रेगुलेटरी साइंस के पूरे ओवरऑल रोल को समझने की कोशिश करेंगे. पॉइंट नंबर फर्स्ट, रेगुलेटरी इंश्योर दैट ऑल द न्यूली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, ड्रग और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स आर सेफ, इफेक्टिव एंड प्योर एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर बींग मैन्युफैक्चर्ड. रेगुलेटरी इंश्योर करती है कि जो भी किसी इंडस्ट्री में बन रहा है, स्पेसिफिक मैनर में वो एक डेवलप प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हुआ है, स्पेसिफिक मैनर में उसका अप्रूवल हुआ है, और वो सारी की सारी एज पर गाइडलाइन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं. ये इंश्योर करना फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस का काम है, या रेगुलेटरी अफेयर्स वालों का काम है ओवरऑल मैं ये कहूँ. और जो इनका अप्रूवल एक स्पेसिफिक मैनर में या एक कह सकते हैं इफेक्टिव मैनर में हुआ है, और जो चीज़ इन्होंने बनाई है, डेवलप की है फार्मास्यूटिकली, जो जिस प्रोडक्ट का, जिस ड्रग का डेवलपमेंट हुआ है, वो सेफ है, इफ़ेक्टिव है, हाई क्वालिटी रखता है, और वो ओवरऑल परफॉर्मेंस बेस भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है. कैसी रिक्वायरमेंट? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना. ओके, पॉइंट नंबर टू, प्राइमरी गोल क्या है रेगुलेटरी का. पॉइंट नंबर टू में देखो, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ रेगुलेटरी. सी, देखिए अगर हम बात करें कि इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इनको इम्प्लीफाई क्यों किया गया इंडस्ट्रीज़ में, क्यों इनको एप्लीकेबल किया गया इन ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, राइट. तो व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स. रेगुलेटरी का प्राइमरी गोल है कि के एस्पेक्ट्स का ये है कि जो न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट है उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना. और वो कैसे इंश्योर होती है?
वो इंश्योर तब होती है जब रेगुलेटरी एस्पेक्ट से संबंधित वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स इम्प्लीफाई होते हैं, अप्लाई होते हैं उस मैन्युफैक्चरिंग या डेवलपमेंट के ऑल स्टेजेस में। तब इनको इन्वॉल्व करने से होता क्या, इनको इन्वॉल्व करने से हम प्रोडक्ट में एसोसिएटेड रिस्क को या उसके संबंधित बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पे एक फ्लो चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश करूँगा। रेगुलेटरी ऑल्सो फोकस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग। कैसे भाई, क्या करते हैं रेगुलेटरी वाले, ये इनमें इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की स्टेज में, ये इन्वॉल्व होते हैं स्टेजेस कौन सी, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ऑल स्टेजेस। प्रोडक्ट जब शुरुआत से मॉलिक्यूल कैरेक्टराइजेशन से, उसके आइडेंटिफिकेशन से ही रेगुलेटरी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो वहाँ से ही अप्लाई हो जाते हैं। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो बेसिक स्टेज होती है, जो फाइनल स्टेज होती हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, वहाँ पे भी रेगुलेटरी फोकस करती है और उसके फोकस करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव है द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग जो विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड हाउ मच इज इफेक्टिव, राइट। सो ये एक बेसिक इनका ऑब्जेक्टिव है। ये इन्वॉल्व होते हैं उसके प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स में एंड फाइनली उसकी इफेक्टिवनेस को आइडेंटिफाई करके यही रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स या यही स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बाद में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं, बताते हैं कि एक फाइनली जो ड्रग डेवलप्ड हुई है या मैन्युफैक्चर्ड हुई है उसकी इफेक्टिवनेस क्या है और वो इफेक्टिवनेस किस बेसिस पे बताई जाती है। ऑब्वियसली वो इफेक्टिवनेस उसकी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी एंड प्योरिटी इन्हीं बेसिस पे बताई जाती है, राइट, कि हाँ ये जो ड्रग डेवलप हुई है हाईली क्वालिफाइड है, मींस हाईली ये जो ड्रग डेवलप हुई है इसकी क्वालिटी हाई है, अच्छी है और ये सेफ है एज वेल एज प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ है और पेशेंट के रिगार्डिंग यानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ है, इफेक्टिव है जिस पर्पज़ से या जिस ट्रीटमेंट के लिए या जिस चीज़ के लिए इसको मैन्युफैक्चर किया गया है या डेवलप किया गया है उस काम को करने में ये इफेक्टिव है। एंड लास्ट उसकी प्योरिटी, हाईली प्योर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है बनाने में एज़ पर द गाइडलाइंस रिकमेंडेशंस, जैसा कि रेगुलेटरी हमें फोर्स करती है, बाउंड करती है कि हम रिटिन प्रोसीजर्स पे, रिकमेंडेशंस पे स्टिक होकर काम करें। तो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके हम लास्ट में ये पैरामीटर्स को अचीव कर सकते हैं। सो दैट इज़ फाइनली पॉइंट नंबर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर। एक तो अगला पॉइंट आपके सामने फिर से उसी तरीके से बनाया मैंने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो पॉइंट नंबर 4, इट ऑल्सो इंक्लूड द सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड वेरियस काइंड्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर विच वॉट विल दे डू विच इंश्योर विच इज फॉर इंटेंडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड ऑब्वियसली दे ऑल आर फॉर वेरी दे कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ऑल काइंड ऑफ डिपार्टमेंट और ऑल काइंड ऑफ फंक्शनिंग एरिया, राइट। यहाँ पे ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एरिया को, उसी में पैकेजिंग आ जाएगा, उसी में रॉ मटेरियल आ जाएगा, उसी में स्टोर डिपार्टमेंट आ जाएगा। सो मैन्युफैक्चरिंग एंड QC सेक्शंस, ये दोनों को लिखा हुआ है मैंने कि ये इंक्लूड, इट ऑल्सो इंक्लूड अ सेट ऑफ गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर विच इज़ इंटेंडेड फॉर द यूज़ ऑफ ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोफेशनल्स या पर्सनस, इनके लिए होता कि ये इन पे स्टिक रह के, इन पे बाउंड होके फंक्शन करें, काम करें, जिससे होगा क्या फाइनली, टू इंश्योर द प्रोडक्ट इज हाईली क्वालिटी या मैक्सिमम क्वालिटी एंड मीट ऑल द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इनसे आप इंश्योर कर पाएंगे कि अगर आपने ये प्रोसीजर्स, ये सेट ऑफ गाइडलाइंस, ये इनके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो किया है तो आपने जो भी चीज़ टेस्टिंग की है, एनालिसिस कर, QC वाले ही करते हैं एनालिसिस, तो जो भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वालों ने एनालाइज किया है, जो टेस्टिंग की है, वो ऑब्वियसली वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को, उनके एस्पेक्ट्स को मीट कर रहे होंगे, फुलफिल कर रहे होंगे, राइट। तो और ऐसा करके आप किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ विद इन प्री डिटरमाइंड लिमिट या जो रेफरेंस स्टैंडर्ड कहते हैं उनमें जो चीज़ दी गई है उनसे हमारे प्रोडक्ट की एनालिसिस या उनके रिजल्ट्स कम से कम वेरिएबल नहीं है, ज़्यादा वेरिएबल नहीं, मीट कर रहे हैं, उनसे मैच कर रहे हैं, जिनके बेसिस पे आप रिजल्ट को पास या फेल बताते हैं, राइट, आप या हमसे, मतलब क्वालिटी कंट्रोल पर्सन से या मैन्युफैक्चरिंग वाले बंदों से, राइट। तो
एक पॉइंट ये हो गया। नाउ द पॉइंट नंबर 5, इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल फंक्शंस एंड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जैसा कि मैंने पहले छोटा सा एक पॉइंट में बताया भी था कि ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में, रेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में आज रेगुलेटरी इम्पैक्टफुली अपना फंक्शनिंग दिखा रही है। क्यों, कहाँ कहाँ, पहले हम उन एजेंसीज या उन ऑर्गेनाइजेशंस के देख लेते हैं। मैक्सिमम गवर्नमेंट एजेंसीज एज पर रेगुलेटरी ही कार्य कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो PCI हो, AICTE हो, ये भी, दैट ऑल एजेंसीज आर पार्ट्स ऑफ अ रेगुलेटरी, ओके। एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में ऑब्वियसली एज पर रेगुलेटरी अफेयर्स या एज पर रेगुलेटरी गाइडेंस ही काम होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, राइट, यहाँ तो बिना इनके काम होता ही नहीं है, मैं ये कहूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसकी ही बात कर लेंगे हम लास्ट में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इट इन्वॉल्व इन द ऑल द स्टेजेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट, जैसा कि इससे प्रीवियस पॉइंट में भी बताया गया था। स्टेजेस में कुछ बेसिक, कुछ मेन मेन स्टेजेस की अगर चर्चा कर लें तो कहाँ तक स्टेबिलिटी में भी रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स या रेगुलेटरी गाइडेंस इन्वॉल्व है। मैन्युफैक्चरिंग के ऑल स्टेप्स, ऑल प्रोसीजर्स में रेगुलेटरी इन्वॉल्व है, राइट। एंड उनके टेस्टिंग प्रोसीजर्स, QC के फंक्शनिंग में भी, इससे प्रीवियस वाले पॉइंट में हमने चर्चा की कि उनको भी रेगुलेटरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही टेस्ट करने हैं, प्रोसीजर करने हैं, राइट। देन उसके बाद उसके ड्रग जब वहाँ से निकल के अपने प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स या स्टडीज़ के दौरान, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग तो बात का प्रोसीजर आ गया, QC वाले तो ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अपना जब इंडस्ट्री में आ जाती कोई भी ड्रग प्रोडक्ट, एज वी ऑल नो कि इंडस्ट्री तक कब आता है, जब वो डेवलप हो जाता है, जब उसके डेवलपमेंट का काम पूरा हो चुका होता है। एंड प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, ये उस स्टेजेस की बात मैं कर रहा हूँ, राइट, कि जब वो अंडर द डेवलपमेंट कंडीशंस में थी तब उसकी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान भी रेगुलेटरी इम्पैक्ट में था, फंक्शंस में था, एंड उसके क्लिनिकल ट्रायल्स में भी था। एक पॉइंट यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूँगा, यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है, राइट। यहाँ देख लें, इसके बाद रेगुलेटरी इनकी पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, ये क्या होता है, ड्रग जब मार्केट में पहुंच जाती तो वहां से पेशेंट्स यानी उनके कंज्यूमर, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी उनका फीडबैक लेके, फीडबैक इन विच मैनर, फीडबैक अबाउट द क्वालिटी, अबाउट द सेफ्टी एंड अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग, राइट, इन मैनर्स में पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, सर्वेलेंस वर्ड का मीनिंग सभी को क्लियर होगा, यू आर इन द सुपरविजन ऑफ, अंडर द सर्वेलेंस ऑफ कैमरा, ऐसा करके कई जगह लिखा हमने देखा है। तो ये सर्वेलेंस मतलब मार्केट पे भी उस ड्रग के इफेक्टिवनेस पे, उसकी सेफ्टी, उसकी क्वालिटी पे भी नज़र रखने का काम रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स करते हैं। रेगुलेटरी के गाइडेंस में रिकमेंडेशंस इनकी भी है, तो वहाँ पे भी इनका फंक्शंस होता है, ओके। तो ये हमने इस पॉइंट में बात कर ली इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे रेगुलेटरी आज अपना इम्पैक्ट शो कर चुकी है, ओके। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट टू अंडरस्टैंड द ऑल फंक्शंस एंड ऑल वर्क्स ऑफ द रेगुलेटरी साइंस, ओके। एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है जिसके थ्रू आज हम ये इंट्रोडक्शन की क्लास जो है यहीं पे फिनिश करेंगे। वीडियो चूँकि पहला है और ट्रायल में है, इस वजह से मैं आज ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ। और यदि ये चीज़ आप लोगों को, सबको क्लियरली समझ में आई है तो ऑब्वियसली सपोर्ट करिए और आगे इसको बढ़ाइए जहाँ तक हो सके। और आप लोगों का यदि सपोर्ट मिलता है तो मेहनत और भी अच्छे से की जाएगी, राइट। तो फाइनली लास्ट पॉइंट और इसको समझ लें हम ज़रा कि रेगुलेटरी, ये अब तक हमने फंक्शन समझे, अब तक हमने रेगुलेटरी का काम समझा, अब हम चर्चा कर लेते हैं लास्ट पॉइंट में कि रेगुलेटरी में काम करने वाले प्रोफेशनल्स का क्या फंक्शन होता है, उनका क्या रोल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, सोसाइटी में, पब्लिक में, हेल्थ केयर सिस्टम्स में। जैसे कंसीडर करें मैं या आप, कोई रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स है या रेगुलेटरी अफेयर्स में हम काम करते हैं तो हमारा क्या फंक्शंस होगा, राइट। ओके, सो हियर वी गो, द लास्ट पॉइंट ऑफ रेगुलेटरी इंट्रोडक्शंस, रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स यानी रेगुलेटरी में काम करने वाले बंदों का क्या काम होता है, एक्चुअली में इनका कह लें कि इनका बेसिक फंक्शंस क्या है। तो रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन फार्मेसी वर्ल्ड, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इन द सोसाइटी, इन हेल्थ केयर सिस्टम्स। कैसे, रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स ही करते हैं, क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन का काम करते हैं, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में कम्युनिकेट करते हैं, ये किसको, रेगुलेटरी एजेंसीज को बताने, जानकारी का आदान प्रदान करने का काम भी इनका ही होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स हैं, किसी इंडस्ट्री में एसोसिएटेड हैं, काम कर रहे हैं, आपने वहाँ पे कोई प्रोसीजरल गैप देखे हैं, कोई अमेंडमेंट देखा है जिसके रिगार्डिंग पे रिकमेंडेशन नहीं, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा
फंक्शंस देखा जिसका गाइडेंस में अब तक रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये एक एक ये छोटा सा माइनर सा यदि गैप आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उसकी रिकमेंडेशंस आप उसको कम्युनिकेट करेंगे कहाँ, अपने इस साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करके उन तक पहुँचाने का काम भी रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स का होगा कि भाई हम ऐसे ऐसे काम में हमने ये चीज़ देखी और इसके बारे में करना क्या है, ऐसा कहीं पर भी रिकमेंड नहीं है अब तक। तो एजेंसीज ही उसके रिगार्डिंग लुकआउट करेंगी और उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसके बारे में विचार करके आगे अमेंडमेंट करना या अपडेट करना गाइडेंस को, रूल्स रेगुलेशंस को एजेंसीज का काम होगा। ओके, इसके साथ साथ रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी जो भी जितने भी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को बनाने और उनको मार्केट तक पहुँचाने या ट्रीटमेंट का काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। देन उसके बाद पेशेंट्स की अवेयरनेस के लिए भी रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स काम करते हैं। पेशेंट्स तक किसी ड्रग के केसेस या क्रूशियल केसेस जो हैं, इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, उनको भी जानकारी या अवेयरनेस पहुंचाने का काम पेशेंट्स एज वेल एज पब्लिक तक पहुंचाने का काम भी रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स का ही होता है। सो ओवरऑल वी कैन से दैट द रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स प्लेज अ इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इन आवर सोसाइटीज। सो दिस वॉज ऑल द इंट्रोडक्शन अबाउट द रेगुलेटरी। इट इज़ माई फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ऑनलाइन क्लास, एंड ये बी फॉर्म फाइनल ईयर 8th सेमेस्टर वालों के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ देखेंगे और अधिक से अधिक मात्रा में इसको पसंद करेंगे और आगे बढ़ाएंगे ताकि ये सबके काम आ सके। सपोर्ट बनाए रखिएगा, आगे यदि कंटिन्यू चाहते हैं ऐसे ही मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लेक्चर। चलिए इतने के साथ आज ये ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।